बेचारा का कभी हैप्पी गिर जाता है, कभी एनिवर्सरी गिर जाता है, और यहाँ पे आरी रह गया, यहाँ पे आपी रह गया, आपी आरी। यहाँ बुआ अपना डेकोरेशंस कर रही है। यह हमारे छोटे छोटे साथी, ये हमारी खूबसूरत दादी और दादाजी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग कर रही हूँ, और आज का ब्लॉग ऐसा है कि स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज है मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी, और जिसकी मैंने थोड़ी सी प्लानिंग करी है, मतलब उनको सरप्राइज देने के लिए। तो मैंने सोचा है कि इस चीज को क्यों ना कवर कर लिया जाए, और ताकि मैं कभी भी कहीं भी रहूं अभी से एक साल बाद या 10 साल बाद, तो मैं ब्लॉग देख सकूं कि हाँ, मैंने जो भी करा था उनके लिए स्पेशल। और चूंकि तो आज उनका एनिवर्सरी है, तो मैंने अभी उनके लिए गिफ्ट परचेज कर लिया है, और अभी मुझे करनी है पैकिंग। मैंने मम्मी और पापा के लिए, दोनों के लिए ड्रेसेस लिए थे, तो मम्मी के लिए तो मैंने साड़ी ली है, और चुपके से मैंने इसमें फॉल पिको जो भी होता है ब्लाउज सिलवाना सब कर दिया है। और पापा को रेडीमेड तो ड्रेस पसंद है नहीं, तो उनके लिए भी लेके मैंने बकायदा अच्छे से सिलवा लिया है। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार पूरे लाइफ में पहली बार मैंने पापा के लिए कपड़े परचेज किए हैं। आज तक मैंने पापा को कोई भी गिफ्ट नहीं दिए। मम्मी को तो देती रहती हूँ, बचपन से दे रही हूँ मैं गिफ्ट, पर पापा को पहली बार दे रही हूँ, तो उसमें मुझे ज्यादा खुशी आ रही है। और कुछ ज्वेलरीज भी ली है मैंने मम्मी के लिए पूरे डिब्बे में। आज जो वो लोग केक काटेंगे, वो यही ड्रेस पहन के काटेंगे। ड्रेस जो है पापा के लिए है, और मम्मी के लिए भी है, और वो भैया भाभी की तरफ से है। और ये भी उन्हें कोई आइडिया नहीं कि भैया भाभी भी कोई गिफ्ट कर रहे हैं, और भाभी की तो ये पहली एनिवर्सरी है मम्मी पापा के साथ, क्योंकि अभी तो नई नई वो आई हैं, तो ठीक है, और साथ में मजे करेंगे। बस एक लोग की कमी है, वो है मेरा भाई अंशु भैया, आपको मिस कर रही हूँ। भाभी की मेहनत देख सकते हैं, बिरयानी बन रही है, और आलू दम, और क्या बन रहा है भाभी? डोसा, डोसा सांभर चटनी, तो ये आज का डिश है। ये मेरी मेहंदी, तो मम्मी को कल मेहंदी भी हम लोगों ने कैसे लगाया भाभी, मम्मी को याद ही नहीं था कि मम्मी की एनिवर्सरी, और इतना जिद करके मेहंदी लगाई थी मैं कि दो लगाना है, क्यों लगाना है, क्या है, किस लिए लगाना है, पूरा बोल रही थी, फिर भी ज़बरदस्ती मैंने लगा दी उन्हें मेहंदी। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं अभी निकल रही हूँ केक लेने, और भाभी दरवाज़ा बंद कर चुकी है, मतलब मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं केक लेने जा रही हूँ, छुप के जा रही हूँ, किसी को नहीं बता रहा है, बताना है, स्कूटी लिया है और तुरंत निकलते हैं, तुरंत लेके आ। तो फ्रेंड्स, मैं केक लेने तो आ गई हूँ, पर जिसका डर था वही हुआ, घर पर पता चल चुका है कि मैं छुप के बाहर गई हूँ, और पापा का 3 बार कॉल आ चुका है, बट मैंने रिसीव नहीं किया, बट ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो इतने सारे केक निकल चुके हैं, फ्रेंड्स मैं केक लेके आ गई हूँ, और घर पे सबको पता चल चुका है, मम्मी को भी चल चुका है, पापा को भी चल चुका है, ये मम्मी के कारण पता चल चुका है, इनको ना 2 मिनट शांत नहीं बैठा जाता है, धमाल क्या मचा रही, 2 मिनट ठीक है कर रही है तो ठीक है, चुप से करने दे, पता भी चल रहा है तो ठीक है ना, मिठाई भी लाई है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो बहाना किया है मैंने, वो ये किया है कि मैं कोचिंग पढ़ा रही हूँ, और रूम अपना बंद कर लिया है, और मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे टीवी था, तो टीवी मैंने हटा के नीचे सेट कर दिया, और यहाँ पे मुझे इसी वॉल पे डेकोरेट करना था। तो फ्रेंड्स, फाइनली रात के बज चुके हैं 8:30, और अब जाके मेहनत सफल हुई है, बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा बलून फूट रहा था ना, बहुत सारा बलून तो मेरा ऐसे ही फूट गया गर्मी की वजह से, पता नहीं क्यों इतना फूट रहा था, और ढंग से हो भी नहीं रहा था, बट अब फाइनली बहुत सही लग रहा है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है, बट अब टाइम है कि ड्रेस देने का, ताकि मम्मी पापा रेडी हो जाए। इसको निकालो, इसको खोलो, पापा का कपड़ा तो बहुत खोजिए, पर मिला नहीं,
और फिर लास्ट में अपना ना अरे हम लोग भी चेंज करेंगे। चलिए बिछिया सब पहन के रेडी होना, टोटल चीज। लाइट्स ऑन। लाइट खोल के निकाल के देखो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो गया। मजा है मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। और बस अंशु भैया को हम लोग बहुत मिस किए हैं क्योंकि वो होता तो चार चांद लग जाता। और अभी बज चुके हैं, रात के कितने बज चुके हैं अभी, मतलब 9:30 बज चुके हैं और अब जा रहे कि अब खाना खाना है, डिनर करना। तो फ्रेंड्स खुशी के मारे मेरा आवाज नहीं निकल रहा, लिटरली आवाज ही नहीं बोल पा रहा हूँ। आवाज आवाज नहीं निकल, निकला थोड़ा। तभी आपको ब्लॉग बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना है? फाइनली स्टार्टिंग वाला डोसा तो अच्छा नहीं बना, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छा बनना स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं पहला वाला एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं हुआ। फाइनली आज का दिन बहुत अच्छा बीता और अब सब लोग डिनर कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बताना कमेंट में ब्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू टुमारो। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। टाटा बाय बाय।